किसानों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार आमने सामने आ गई है। केंद्र को भेजे जवाब में किसानों पर हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाए आंसू गैस शेल्स, रबर बुलेट्स और फिजिकल फोर्स का भी जिक्र है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय रही है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोन नारायण। किसान जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली कूच से लेकर लगातार पोकलैन मशीन और जेसीबी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश किसान कर रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसानों की मांगे वही हैं जिसको लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है। एमएसपी की गारंटी हो या फिर बिजली जो बिल है वो माफ़ करना हो, जो कर्ज है उसे माफ़ करना हो, या जो किसानों की मौत हुई थी पिछले आंदोलन में उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना हो, या फिर जितने भी इल्ज़ाम किसानों पर लगे हैं आंदोलन के दौरान, जितने भी मामले दर्ज हैं उन सभी को ख़त्म करना हो। लेकिन आज बहुत कुछ शंभू बॉर्डर पे हुआ, हरियाणा पंजाब का ये बॉर्डर, और यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए जिसकी वजह से पूरा बॉर्डर धुआं धुआं नजर आ रहा था। आज भारत एट नाइन में आज पूरे दिन के घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। किसानों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार आमने सामने आ गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एक चिट्ठी लेकर भेजा है। ये लेटर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है। दरअसल पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा है कि ये कहना पूरी तरह से गलत है कि राज्य सरकार शंभू और दाभी गुर्जर बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने दे रही है। चीफ सेक्रेटरी ने अपने लिखे जवाब में ये भी कहा है कि किसान दिल्ली आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हुए हैं। केंद्र को भेजे जवाब में किसानों पर हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाए आंसू गैस शेल्स, रबर बुलेट्स और फिजिकल फोर्स का भी जिक्र है। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा यूज किए गए फोर्स का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें अब तक 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद भी पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखा हुआ है। पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों के प्रति और ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ हुए नेगोशिएशन में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भूमिका की भी बात कही जा रही है। केंद्र को भेजे गए जवाब के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री अब तक हुई 4 मीटिंग्स में से 3 में मौजूद थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि पंजाब पुलिस की तरफ से डीआईजी रैंक के अधिकारी और पीपीएस ऑफिसर सहित 2000 पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल सरकार पूरे हालात पर लगातार नजर रखी हुई है, जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाने की भी बात पंजाब सरकार कह रही है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए थे। दरअसल ये जो बॉर्डर है ना, वो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, और ये जो किसान है वो ज्यादातर जो हैं वो पंजाब के किसान बताए जा रहे हैं। इसी वजह से पंजाब सरकार और केंद्र के बीच भी ठन गई है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय रही है। एमएचओ ने कहा था कि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने, पड़ोसी राज्यों में अशांति, अव्यवस्था फैलाने के स्पष्ट इरादे से सीमा पर भारी मशीनरी ले जाने की खुली छूट दे दी गई है। खबरों की माने तो लगभग 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कारें, 10 मिनी बसें और अन्य छोटे वाहनों के साथ राजपुर अम्बाला रोड पर शंभू बॉर्डर पर लगभग 14,000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी। इस तरह राज्य सरकार द्वारा डाबी गुजरान बॉर्डर पर लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगभग 4,500 व्यक्तियों की विशाल सभा की अनुमति देने की भी रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन इसी बीच किसानों को विपक्ष का भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि आंदोलन चाहे 2020 का हो, आंदोलन चाहे 2024 का हो, विपक्षी दलों ने भरपूर कोशिश की है इसका समर्थन लेने की और इसमें राजनीति करने की। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए।
उनका कहना है कि कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख कर चुकी है और आगे करने भी जा रही है कि एमएसपी एक कानूनी गारंटी है। इसे सभी फसलों के लिए नहीं दिया जा सकता, लेकिन सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारे अन्नदाता हैं, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर किसान को यह सब क्यों करना पड़ रहा है। इसके अलावा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने राज्य के अस्पताल के अलर्ट पर रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर के पास के सभी अस्पतालों में जरूरी प्रबंध किए गए हैं। हमारी अपील है कि शांति बनाकर रखें। उन्होंने हरियाणा सरकार से आंसू गैस के गोले ना इस्तेमाल करने की बात मांग करते हुए कहा है कि इससे कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 13 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च शुरू करने वाले हजारों किसानों को हरियाणा सीमा पर ही रोक दिया गया। यहाँ किसानों की सुरक्षा कर्मियों से झड़पें भी हुई, जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। किसान तब से हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग्स की है, इसमें सीमेंट से बनी दीवारें भी शामिल है। इसके अलावा जो टर्निंग पॉइंट लेकर आए थे 2020 के किसान आंदोलन में, वो राकेश टिकैत दरअसल मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने सरकार को एक बार फिर से घेर लिया। इस दौरान बीक्यू नेता ने कहा कि या तो सरकार सुधर जाए, नहीं तो जब हम मेरठ आ सकते हैं तो दिल्ली भी जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शंभू बॉर्डर को पाकिस्तान का बॉर्डर तक बदल डाला और कहा कि कीले कांटे लगाकर वहां के हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान कई फाड़ में है, इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा कल बैठक करेगा और तय करेगा कि आगे क्या करना है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 14 मार्च को दिल्ली की कॉल है, लेकिन उस दिन ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे। 26 और 24 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताने की बात की थी, उस पर टिकैत ने कहा कि प्रस्ताव एसकेएम को भेज दिया गया है। कल 40 संगठनों की बैठक है, वहां फाइनल होगा क्या करना है, लेकिन आंदोलन तो बड़ा होगा। बता दें कि एसकेएम ने देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। पश्चिमी यूपी में भारतीय किसान यूनियन का दबदबा है, इसलिए यहां की जिम्मेदारी भाकियों पर थी और राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के बजाय मेरठ में आंदोलन की अगुवाई करने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई थी और किसान बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में जबरन घुसे। किसान नेता राकेश टिकैत ट्रैक्टर से ही कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बता दें कि किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों को टीकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात करने के बाद सड़कों पर यातायात बाधित भी लगातार देखने के लिए मिला। किसानों की दिल्ली कूच के दौरान कई तरह की खबरें और अफवाहें भी फैल रही हैं। इस बीच 23 साल के युवक की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसे हरियाणा पुलिस ने अफवाह बता दिया। हरियाणा पुलिस ने 3:30 बजे ट्वीट कर साफ किया कि अब तक किसी की मौत की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। पुलिस ने इसे अफवाह बताया। ट्वीट में हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है, ये मात्र एक अफवाह है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मी और एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है, जो उपचाराधीन है। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाला ने खबरों की माने तो उन्होंने कहा है कि हम आगे आए, सरकार ने हमें बातचीत का न्योता दिया, सरकार हमारे खिलाफ प्रचार करती है। उन्होंने कहा कि किसानों का दावा है कि 23 साल के बच्चे की मौत हो गई है, दिल्ली बाद में चले जाएंगे, पहली हमारी जिम्मेदारी उस बच्चे के प्रति है जो शहीद हो गया है। आपको बता दें कि इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत की वकालत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसी भी चीज का समाधान आपसी समझ और संवाद से निकल सकता है, लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। कोई भी विषय हो, हम उसका समाधान बातचीत के जरिए ढूंढ सकते हैं, हम चर्चा के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5वें के लिए खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन से सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ किसान ही इस चपेट में नहीं आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है। देखिए, किसानों के आंदोलन से दिल्ली तो सहमी हुई है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है, 3 तरफ से, हरियाणा बॉर्डर से, एक तरफ यूपी बॉर्डर से। एनसीआर में रहने वाले लोगों को लग रहा है कि अगर पिछली बार की तरह किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आकर जम गए तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा। अगर आंदोलन लंबा चला तो इससे ना केवल दिल्ली आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे।
अभी की स्थिति में ही सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी होने लगी है। दिल्ली के कल कारखानों में आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई बाधित होने से हजारों करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है। अगर आंदोलन और लंबा चलता है तो इस नुकसान को झेलना मुश्किल हो जाएगा। इस समय की स्थिति केंद्र और किसानों के बीच चार दौर की वार्ता असफल होने के बाद 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया था और सुबह से ही तस्वीर आपने देखी होगी। इस समय शंभू बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा बना हुआ है। दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और आंसू गैस के गोले दाग दिए। हल्की फुल्की झड़पें भी नजर आई हैं और यूपी की बात करें तो यूपी में अभी इस तरह की हलचल नहीं है लेकिन ज्ञापन जरूर दिए जा रहे हैं। अगर पुलिस बल किसानों को रोकने पर सफल रहते हैं तो किसान आगे बढ़ेंगे, इससे दिल्ली की स्थिति बेहद नाजुक हो सकती है। आवागमन में सबसे बड़ी बाधा अभी इस समय किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे के रास्ते बंद कर रखे हैं। फ्लाईओवर के ऊपर बीच बीच में पुलिस बैरिकेटिंग रखे हुए, वाहनों का आवागमन इसकी वजह से भी धीमा हो गया है। गाजीपुर सब्जी मंडी के दोनों तरफ NH24 फ्लाईओवर पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। आंदोलन आगे चलता है तो इससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। सामान्य तौर पर इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान है कि सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर इस समय सब्जियों का भाव नीचे रहता है। किसानों के खेतों में भारी मात्रा में हर सब्जियां पैदा होती हैं और वो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से इसे आजादपुर, गाजीपुर, केशवपुरा सब्जी मंडी तक पहुंचाते हैं। इससे सब्जियों के भाव कम बने रहते हैं। अभी तक आलू के दाम 10 रुपए प्रति किलो तक चल रहे थे लेकिन किसानों के दिल्ली आने और बॉर्डर सील होने की खबरों के बीच आलू के दामों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। आलू के दाम अचानक 15 से 20 रुपए तक हो गए, यानी सबसे प्रमुख सब्जी आलू के दामों में ही खुदरा मार्केट में 1.5 से 2 गुने तक की वृद्धि हो गई है। तो ऐसा टमाटर, मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों पर भी पड़ा है। टमाटर अब 20 रुपए की बजाय 30 रुपए हो गई है, मटर 20 की जगह 40, शिमला मिर्च 80 से 100 रुपए किलो तक हो गया है। आंदोलन आगे बढ़ता है तो इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खुद सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अब सब्जी ले जाने के लिए उन्हें जो ऑटो ट्रक ले जा रहे हैं उन्हें सड़क बंद होने की वजह से लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिससे वो 1.5 से 2 गुना तक दाम वसूल रहे हैं। इसका असर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कच्चे माल को लेकर भी भारी नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि आंदोलन की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है, जो सब्जी खरीद फरोख्त करते हैं उनको भी कितना नुकसान हो रहा है, जो फैक्ट्रियां यहाँ पर चल रही हैं, जो कच्चा माल आता है बाहर से उनको भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक इतनी बातचीत हो चुकी है, कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कृषि मंत्री कह तो रहे हैं कि पांचवें दौर की बातचीत के लिए आप वो तैयार हैं और हर मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन ये कितनी सफल होती है महत्वपूर्ण ये है। भारतीय टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।